नमस्कार, मैं हूँ हीना मेहता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में वोटिंग मशीनों पर 24 घंटे कांग्रेस की पहरेदारी हो रही है। विधानसभा के भाजपा के विजय वर्गीय की सीट के लिए तैनात शुक्ला समर्थकों का सोना खाना सब कुछ स्टेडियम में ही हो रहा है। वहीं सावेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी की ओर से भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर निगाहें जमाए बैठे हैं। मौजूद इसलिए कि वो मशीनों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो जाए। कौन सी विधानसभा से हैं आप? सावेर। आपके प्रत्याशी कौन है? रीना बोरासी। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से? कांग्रेस प्रत्याशी। 3 तारीख को परिणाम आना है, यानी कि आप लगातार यहाँ पर निगाहें बनाए रखे हो। आपके साथ और कितने लोग आपकी सेवा दे रहे हैं इसमें? दो जने रहते, 3 शिफ्टें होती है। अभी भी आप 2 लोग हैं यहाँ पर? हाँ, अभी भी 2 लोग। और अभी 3 शिफ्ट, यानी कि आपकी कौन सी शिफ्ट है? मेरी सुबह 6 से 2 तक। अच्छा, और 2 से फिर दूसरे? 2 से दूसरे आएंगे और शाम को 10 बजे तक लेंगे रात को, और रात पे फिर दूसरे आएंगे तो सुबह 6 बजे तक। आप पार्टी के कार्यकर्ता ही हो? हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता। कहाँ रहते हैं आप? कनाड़िया। आप, यानी कि जो आपके प्रत्याशी है वो भी आपसे अपडेट लेते रहते हैं? बिल्कुल, कम्प्लीट फॉर्म बिल्कुल चलता रहता है। अच्छा दादा, क्या लगता है आपको, क्या किसी तरह की ऐसी गुंजाइश लग रही है आपको जो आप यहाँ पर बैठे हैं ध्यान दे रहे हैं? गुंजाइश क्या, छेड़छाड़ी होने नहीं चाहिए ईवीएम में। हाँ, ईवीएम में कह नहीं सकते, प्रशासन उनकी ठेठ से नीचे सुपर तक उनके सब। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ डाउट का वगैरह बैठे हैं, एलसीडी लगी है वो। यहाँ बैठे हो तो किसी तरह के कोई आपसे कुछ बोलता तो नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, 3 तारीख का इंतजार है आपको भी? 3 तारीख का पक्का इंतजार। खाना आना वगैरह कैसे, क्या खाना आना आ जाता है ना यहाँ पर आता है खाना रीना दीदी की तरफ से? अच्छा, अभी आपकी यही ड्यूटी शुरू से कि रात में भी करते हो आप? नहीं, रात में मैं नहीं करता हूँ, रात वाले दूसरे आएंगे, वो 2 बजे से चेंजेस मेरी हो जाएगी, वो दूसरा आएंगे 2 से 10 तक, और फिर रात को वो अलग आएंगे 10 से तो सुबह 6 बजे। अभी सर रात को बारिश भी हुई दादा, ठंड भी पड़ रही है, इसके लिए कोई किसी तरह की व्यवस्था है? कैसे आप गुजारा करते रात भर? व्यवस्था थी ना, ये टेंट लगा हुआ है। 3 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में मतगणना होना है और उसी के व्यवस्थाओं को लेकर आज निर्वाचन प्रभारी और अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि 3 दिसंबर को मतगणना होना है। उसी क्रम में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में तैयारी चल रही है, जिसका जायजा लिया गया। 3 तारीख को जो मतगणना होगी उसके लिए प्रत्येक मतगणना टेबलों पे मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। इन सभी नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और आज 2 शिफ्टों में प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है, जिसमें 900 के लगभग कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या प्रमुख बातें इसमें रहेगी, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें कोई इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? नहीं, जो पुरानी जितनी जो भी प्रोसेस अपनाई जाना है वो समस्त वही प्रोसेस के अनुसार अभी मतलब इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, जिस तरह से मतदान में नवाचार हुए हैं कई तरह के, परिणाम जब आएंगे उस तरह किसी तरह को कोई नवाचार देखने को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से समय का इंतजार करें। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में 8 नवंबर को हुए दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी बेटे को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बेटे ने पिता के अकाउंट से 2 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाली और ऐशो आराम से जीवन काट रहा था। ये घटनाक्रम में थाना संयुक्तागंज को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि आरोपी को थाना संयुक्तागंज की टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर खत्री, राम लखन और विपिन गए थे, इनके द्वारा उसको आरोपी को वहाँ से पकड़ के यहाँ लाया गया। घटनाक्रम करने के बाद आरोपी यहाँ से वडोदरा के बाद गोवा गया था। वो फिर गोवा में ही रहता था और अपने पिताजी का जो ATM है उससे पैसे निकालकर अपना जीवन यापन करता था। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद टीम यहाँ से रवाना हुई और उन्होंने अपने सतत प्रयास से उसको वहाँ से राउंडअप किया। कितना रुपये खर्चा कर देना कुछ आपका होता है? लगभग उसने 2.25 लाख रुपए के लगभग वहाँ से निकाला और वो पिछले 12 दिनों में उसने खर्च कर दिया। क्योंकि वो सन 1992 में अपने फैमिली के साथ एक बार गोवा गया था, तो उसके दिमाग में वो छवि थी कि वो जगह बहुत ही अच्छी है और वहाँ पे समय व्यतीत करने से सुकून मिलता है, इसलिए वो उसी मानसिक स्थिति में सोचते हुए गोवा के लिए ही गया। उसका स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो, मगर मानसिक रूप से ऐसा विक्षिप्त नहीं कहेंगे, उसको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आती है, समझदार है। वो ट्रेन से बकायदा गोवा तक पहुंचा, वहाँ उसने रहा, होटल लेके रहा, फिर वो खाना पीना भी अपना खुद बना लेता है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो किसी भी तौर पर पागल तरीके से है। उसको कुछ
मानसिक इलाज उसका जरूर चल रहा है स्किज़ोफ्रेनिया का, मगर वो पूर्णतः मानसिक रूप से विकसित नहीं है। वो ईर्ष्या के कारण उसे ये लगता था कि उसके माता पिता और बहन मिलके उसको पागल साबित करना चाहते हैं, और जो उसका इलाजरत था वो, तो वो इलाज उसका नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ है, उसको ज़बरदस्ती गोलियां दी जा रही हैं, तो इसी बात को लेके वो नाराज़ रहता था। और जब एक दिन बहन और पिताजी घर पे थे और जब उसको फिर दवाई खाने को बोला गया उसका दवाई के समय पर, तो उसी बात से नाराज़ होकर उसने आवेश में आके दोनों को मार दिया। इंदौर के छोटी गोवाल टोली थाना क्षेत्र में मौजूद एक रिलायंस कोरियर के ऑफिस से पार्सल का बॉक्स गायब हो गया। इसके बाद फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की है और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना छोटी गोवाल टोली अंतर्गत बीते दिन की बात है कि एक कुरियर कंपनी जिसका नाम रिलायंस है, वो वहाँ से एक पार्सल उनके पास आया और वो वहाँ पे जब उनके मजदूर वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे तो वहाँ पे दो अज्ञात बाइक सवार ने उसमें से एक पार्सल की बोरी को अपने पास लेके वहाँ से भाग गए, जिसका संज्ञान लेते हुए जब उसके मालिक ने आके थाना छोटी गोवाल टोली में आके अपराध पंजीबद्ध कराया, जब उसको देखा गया तो फिर सीसीटीवी में उनका फुटेजेस आए हैं। अब अग्रिम विवेचना की जा रही है, उनकी पतासाजी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पार्सल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस थी, चश्मे थे और कुछ ओप्पो कंपनी के मोबाइल्स भी थे, तो इस पर अब सारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी उनके मालिक द्वारा, क्योंकि अलग अलग जगह से लोगों ने उसको पार्सल में लगवाया था और उनका एक कुरियर था, तो सभी लोगों से उनके बिल प्राप्त किए गए। उज्जैन के शिप्रा किनारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। ये वो जगह है जहां गुरुदेव के चरण पड़े थे। यहां इमली का एक विशाल वृक्ष है जिसके नीचे गुरु गोविंद जी के पद चिन्ह है। यहां पर समाज जन पहुँच कर अरदास करते हैं। बताया जाता है कि यहां से जो भी गुरुदेव से अरदास की जाती है वो पूरी होती है। गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व उज्जैन की साथ संगत बहुत धूमधाम के साथ मना रही है। ये जिस स्थान पर आप लोग और हम लोग खड़े हैं, ठीक मेरे पीछे गुरुद्वारा साहब जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल के अंदर आए हैं, इसलिए इस जगह का महत्व पूरे मध्य प्रदेश के लिए अद्वितीय है। यहाँ पर हम लोग प्रकाश पर्व मना रहे हैं। कल नगर कीर्तन के रूप में हजारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने पहुँचे थे और आज आप देख रहे हैं एक तरफ बाई और हजारों की संख्या में लोग लंगर ग्रहण कर रहे हैं, अंदर कथा व कीर्तन चल रहे हैं। गुरु महाराज ने हमको हमेशा वड के छको यानी समता की भावना का संदेश दिया है। कीर्त कमाई करो, अर्थात कमाई ऐसी करो जो जिसके अंदर बेईमानी का बिल्कुल भी हिस्सा ना हो। और हमारे दसवें गुरु ने ये कहा कि अपनी दसवंत जो भी आप कमाते हैं उसकी दसवंत का हिस्सा आप धार्मिक कार्यों में दें। यही उज्जैन का सिख समाज भी करता है। मैं आपके माध्यम से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आप पूरे ही उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के मानव समाज को बहुत बहुत बधाई। इंदौर में फर्जी एडवाइजरी कंपनी से लेकर कई कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे हैं और इसी के चलते तमाम राज्यों से पीड़ित इंदौर में आकर कार्रवाई की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत महाराष्ट्र के व्यापारी के साथ आई पुलिस ने शहर में संचालित हो रहे एक ऐसे ही कॉल सेंटर पर दबिश देकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हमारे पास वहां की पुलिस आई थी, वहां पे एक फरियादी के साथ में लगभग 20 लाख रुपए ले लिए गए मनी कंट्रोल के नाम से। मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, प्रतिष्ठित वेबसाइट है, और उसी के मिलता जुलता इन लोगों ने नाम रखते हुए जो है अपना एक फर्म बनाई और उसमें जो है ये लोग लोगों से पैसे ले रहे थे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और लगातार फरियादी में मानसिक दबाव बना रहे थे कि यदि उसको अपने पुराने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस चाहिए तो उसको और ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। उसने सांगली में FIR कराई थी, उसके बाद सांगली पुलिस के द्वारा हमसे संपर्क किया गया। हमने लोकल में पता किया कि काफ़ी इस तरह के गैंग हम यहाँ पर लगातार पकड़ते रहते हैं, तो हम लोगों को इनका मोडस ऑपरेंडी और इनका काम करने का तरीका हमें आइडिया रहता है, तो उसको उस अनुभव को इस्तेमाल करते हुए हमने इस कॉल सेंटर को लोकेट किया है और फिलहाल वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस को हम वहाँ पे ले गए हैं जो कि अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पर मौके पर काफ़ी लोग मिले, बड़ा कॉल सेंटर मिला है संचालित होते हुए, और उसमें जो जो लोग उससे फरियादी से बात करते थे सभी लोग वहाँ पर मिले। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।